नाज़रीन, मैं इस वक्त जो है कराची के मसरूफ तरीन इलाके सदर में मौजूद हूँ और हमारे अकरब में आप देख सकते हैं कि होली ट्रिनिटी चर्च है और इस चर्च पे गुज़श्ता रात जो है कल जो है एक इस्लामिक चौकी की गई, उसकी कुछ अरबी आयातें लिखी गई, आयात को मेंशन किया गया, हमारे कैमरामैन आपको पीछे दिखा सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे मसीही लोगों में थोड़ा सा कोई इश्तियाल अंगेजी आई, बहुत ज्यादा जो है वो तशवीश की हालत हुई, लेकिन रेंजर्स ने जो कल भर वक्त कार्रवाई करते हुए इस चौकिंग के ऊपर जो है वो पेंट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो उस चौकिंग के ऊपर जो है वो पेंट हुआ है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूं, इससे पहले भी इसी चर्च की दीवार के ऊपर जो है 24 घंटे की अलार्मिंग का एक चौकिंग की गई थी, जिसके ऊपर फिर इंतजामिया ने जो है वो मुतलका थाने में जो है रिपोर्ट भी दर्ज कराई और पुलिस को भी मुतला किया और मुख्तलिफ एजेंसी को भी इस हवाले से बताया। इससे कब भी जो है पिछले साल 2023 में जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के दो चर्चेज में, सेंट्रल ड्रूज चर्च में और इसी तरह सेंट एंड्रयू चर्च में जो है इसी तरह चौकिंग की गई थी। बाद में जो है वो इंतजामिया ने पुलिस ने आके फिर उसको चौकिंग को जो है वो मिटा दिया गया था। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पर बताता चलूं, इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस चर्च के जो है अगर हमारा कैमरामैन थोड़ा सा मूव करके लेफ्ट साइड पे मेरे दिखाए तो आप देखें कि इस वक्त जो है ये सामने हमारे जो है वो गवर्नर हाउस है। इस वक्त सिर्फ चंद फरलांग के कदम के फासले पे गवर्नर हाउस है और इसी के बिल्कुल फ्रंट पे मेरे देखेंगे तो इसपे जो है वो कराची प्रेस का भी मौजूद है और आधा किलोमीटर के फासले पे जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस है और इसी तरह मेरे बैक में जो है वो सिर्फ चंद मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है वो कमिश्नर कराची का जो है ऑफिस है। मेरे बिल्कुल सामने जो है आप देखें कि इस वक्त गवर्नमेंट की जो है वो स्टेट लाइफ की जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है और इसी तरह हमारे कैमरामैन दिखाएं कि मसरूफ तरीन इलाका है जहाँ से जेरा मार्केट कराची की मशहूर जो है वो मार्केट है और यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल हाई अलर्ट है और यहाँ पे तमाम जो पोलों के ऊपर जो है वो इस वक्त जो है वो हाई पिक्सल के जो है वो कैमरे भी लगे हुए हैं और यहाँ पे 24 घंटे जो है वो VIP की जो मूवमेंट जो है वो रहती है। इन हालात में आप ये देखें कि यहाँ पे चौकिंग जो है ये कौन लोग कर रहे हैं चौकिंग और उनकी चौकिंग करने का मकसद क्या है, ये पेज आ पेज जो वाकयात अब तसल्लु के साथ हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं, क्या ये मजहब को प्रमोट करने के लिए चौकिंग कर रहे हैं, यहाँ इनका जो मकसद सिर्फ ये है कि इस चौकिंग को अगर कम्युनिटी के लोग मिटाएंगे तो उनके जो है वो तोहीन रसाला या तोहीन मजहब का जो है वो केस बना के इस शहर में जो है वो अनारकी फैलाई जाएगी, इस शहर में जो है वो अमन को तबाह किया जाएगा, सलामती को खतरे में डाला जाएगा। ये सारे सवाल जो है वो हम जो है वो जो हमारे मजहबी अकलियतें हैं या हमारे जो इस वक्त जो है वो वकला हजरात हैं, कानून दान हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो चले उनसे मालूम करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। और इस हवाले से जब हमने इंतजामिया से बात की, चर्च इंतजामिया से जाके मुलाकात की और इस हवाले से हमने मौकफ जानने की कोशिश की कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, तो उन्होंने अपना मौकफ जो है मीडिया पे देने से माजरत की। और इसके अलावा हम जो है कराची के जो मसीही वकला हैं उनसे भी हमने मुलाकात की, कुछ समाजी रहनुमाओं से भी हमारी मुलाकात हुई और दीगर हमारे जो कुछ स्कॉलर थे उनसे भी हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि ये जो तहरीर लिखी गई है इसके बिहाइंड में क्या मुरक्कात हैं और इसके बारे में उनका क्या मौकफ है। लेकिन उन्होंने इस हवाले से अपना मौकफ देने से हमने माजरत की और ये कहा कि चूंकि इस वाक्य की ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन दरख्वास्त जो है मुतल्लिका इदारों में और कानून नाफिज करने वाले इदारों में दर्ज कराई जा चुकी है और इस हवाले से जो है वो तहकीकात भी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो जब तक कि इन्वेस्टिगेशन के कुछ नतज सामने नहीं आते तो उन्होंने माजरत की है कि हम अपना मौकफ नहीं दे सकते, जैसे कोई हकायक सामने आएंगे तो हम इस हवाले से कुछ बात करने की पोजिशन में होंगे। लेकिन जब दूसरी तरफ हम जाते हैं तो दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ मसीह हल्कों में जो हमारे मसीहों से बात हुई वो कहते हैं कि ये जो सिलसिला है ये काफी अरसे से मुतवातर चल रहा है और हमें जो है वो बड़ी तशवीश है इस हवाले से, क्योंकि 2023 में भी वाकया इसी किस्म का हुआ सेंट्रल ड्रूज चर्च में, सेंट एंड्रयू चर्च में, फिर अब यहाँ दूसरी दफा इस दीवार के ऊपर जो है इस तरह की अरबी तहरीर लिखी जा चुकी है।
वो मसीहों को काफी जो है वो रिजर्वेशन है, काफी खदशात हैं और काफी उनको जो है इस हवाले से जो है तश्वीश है, और वो जो चाहते हैं कि इस हवाले से जो है फौरी तौर पे जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है कोई कार्रवाई करे और उस हवाले से जो है वो उन अनासिर को जो है वो बेनकाब करे कि जो ये बार बार ये चीजें जो है इस किस्म की कर रहे हैं और कराची में एक बदमनी और इंतशार की फिजा को दोबारा रीएक्टिव करने के लिए ये सारी कार्रवाइयां जो की जा रही हैं। तो बहरहाल ये है कि इंतजामिया ने अपना मौकफ नहीं दिया। बहरहाल नेशनल न्यूज के पास जैसे कोई अपडेट आएगी तो नेशनल न्यूज जो है वो अपने तमाम नाजरीन को जो है उसके हवाले से जो है वो जरूर जो है वो अपडेट करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हालात और वाकयात की अपडेट के लिए और खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशनल न्यूज से।